जय हिंद दोस्तों। दोस्तों जो आपका एग्जाम 2 मई को लगा हुआ ना आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का, तो मैं यहाँ पे जो आपको ये टिप्स बताने वाला हूँ अगर आप इन्हें फॉलो करते ना तो ये मान चलना कि आप जो और बच्चे हैं ना उनसे काफी आगे रहेंगे। बस मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये सारे आपको फॉलो करने हैं क्योंकि आपके पास इतना टाइम अब बिल्कुल नहीं बचा है, बहुत ज्यादा 2-3 दिन का टाइम बचा है क्योंकि 2 मई को तो आपका पेपर ही लगा हुआ है। तो मैं आपको जो टिप्स बता रहा हूँ इन्हें फॉलो कर लेना। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, अब आपको नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, यानी कि आपने अभी तक जितना भी तैयार कर रखा है बस उसी का रिवीजन करना है। नई चीजें बिल्कुल नहीं पढ़नी है, आपने चाहे पढ़ी हो चाहे ना पढ़ी हो, चाहे आपको सिलेबस कंप्लीट हुआ हो चाहे ना हुआ हो, अब आपको नई चीजें तो बिल्कुल ही नहीं पढ़नी है। बस अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हो, चाहे बायोलॉजी को, केमिस्ट्री, मैथ, जीके, जिस पोर्शन का आपने जितना भी पढ़ चुका है उसी का आप रिवीजन करिए। रिवीजन करने का ही बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा जब आप 2 मई को पेपर देने जाएंगे। अगर आप इस समय नई चीजें पढ़ेंगे ना तो इससे आप कंफ्यूजन ही आपको होगी और जो आपको याद भी हो रखा है ना वो भी आप भूल जाएंगे। तो जो 2-3 दिन बच रहे हैं इसमें आपको केवल जितना हो सके उसका रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके बाद आपको दूसरा जो काम करना है, सबसे पहले आपको ये करना है जब आप पेपर में बैठते हैं कि कैसे भी करके आपको 35 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लेने, यानी करना क्या 35 क्वेश्चन तक आपको कैसे भी करके सही कर लेने, ताकि आपका ये रहे ना कि जब फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी आपकी आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट की वहां पे आपका नाम में देखने को मिल जाए फाइनल मेरिट लिस्ट में। क्योंकि अगर आप इससे कम करेंगे ना तो कोई सवाल ही नहीं होता भाई आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम क्वालिफाई करने का, क्योंकि ये तो सभी को पता ही होगा जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का होता है केवल इसमें आपके रिटर्न एग्जाम के नंबर काउंट होते, कोई फिजिकल का नंबर काउंट नहीं होता है। फिजिकल से दोस्तों एक बात मैं और आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का भी फिजिकल होगा ना इतना नॉर्मल भाई फिजिकल बिल्कुल नहीं होगा। कई दोस्त मुझे ये बता रहे थे कि सर अब जो आर्मी नर्सिंग के अब जो रिटर्न एग्जाम के बाद वहाँ पे टाइम दिया जा रहा है, क्या सर वहाँ पे 5:45 तक का टाइम दिया जा रहा है? तो दोस्तों ये बात बिल्कुल नहीं है। अब मैंने कमेंट बॉक्स में एक लिंक दे रखा है वीडियो की, वहां पे मैंने प्रॉपर दिखाया है, यानी कि ये मान चलना जब आपका पहला चक्कर स्टार्ट होता है वहां से लेके जब आपका जो आपका ग्रुप 2 क्लोज होता है, यानी चारों चक्कर का मैंने प्रॉपर वहां पे टाइम दिखा रखा है। तो कमेंट बॉक्स बाद इस वीडियो के बाद देख लेना, उसमें लिंक मैंने दे रखा है, सीधा लिंक पे क्लिक करना, सारा पूरा आप खुद ही देख लेना कि कितना टाइम वहां पे आपका दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये मान चलना कि फिजिकल भी इसका नॉर्मल नहीं होता है, फिजिकल आपका जैसे पहले होता था वैसा ही फिजिकल आपका हो रहा है। आप खुद ही देख लेना कि कितना टाइम आपका वहां पे दिया जा रहा है, ताकि आप उसी हिसाब से अपने फिजिकल की भी तैयारी वहां पे ध्यान पे रख के कर सके। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या, अपना टारगेट ये बना लेना हमें कैसे भी करके 35 क्वेश्चन सही करने हैं तो सही करने हैं। और इसके बाद क्या करना है, जैसी आपके पैर ये मान चला जितने भी क्वेश्चन आपके आते हों, चाहे आपके 30 आ रहे हो, 28 कंफर्म हो रहे हैं या 35 के 35 कंफर्म आपके हो रहे हैं, सबसे पहले आपको यही काम कर लेना कि जो क्वेश्चन आपके कंफर्म हो रहे हैं पहले तो उनको सही कर लेना है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बच जाते हैं वो भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल वहां पे छोड़ के नहीं आने, यानी कि ये मान चलना कि 50 क्वेश्चन का अगर आपका पेपर आता है तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन वहां पे करने हैं। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो मैं यहाँ पे वही बात कर रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ने, तो आज आप खुद ही देख लीजिएगा, आज 2 सेट दीजिएगा, 1 सेट वो देना जिसमें आपको ये लगता है कि मेरे कंफर्म आपको जो क्वेश्चन आ रहा हो ये मेरा क्वेश्चन कन्फर्म है, केवल आप इसी को आंसर देंगे, ठीक है, 1 सेट आप ये देना। और दूसरा 1 सेट ये देना कि आपको जो क्वेश्चन पहले आ रहे हो वो आपको सॉल्व करने, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपके बच जा रहे हैं उसमें आपको जो लगता है कि इसका ये सही हो सकता है, इसका ये सही हो सकता है, मैंने ये ऑप्शन पढ़ा था ये नहीं पढ़ा था, यानी आप अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन उसके कर लेना। इसके बाद दोनों के रिजल्ट काउंट कर लेना कि किसमें आपका स्कोर ज्यादा हो रहा है किसमें आपका स्कोर कम हो रहा है। तो दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूं आप खुद ही देख लीजिएगा,
जिसमें आपने 50 क्वेश्चन सही को जिसमें आपने 50 क्वेश्चन किए होंगे ना, ये मान चलना है 5 से लेकर 10 नंबर उसी में आपके ज्यादा दिखेंगे, और जिसमें आपने केवल वही क्वेश्चन किए जो आपको कंफर्म लग रहे थे कि इसका ये सही होगा, इसका ये सही होगा, उस सेट में आपके कम ही नंबर काउंट वहां पे होंगे। तो जो 2-3 दिन बच रहे हैं ना, खुद ही 2 प्रैक्टिस सेट देना और आजमा लेना कि किसमें आपका स्कोर ज्यादा हो रहा है। तो आप यही देखेंगे कि जिसमें 50 क्वेश्चन आपने किए हैं ना, उसमें ज्यादा आपका स्कोर होगा। और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट आता है ना, वहां पे एक एक नंबर से काफी लड़के वहां पे बाहर हो जाते हैं। तो मेरी बात मानना, आप 50 के 50 सारे क्वेश्चन करना, आपको वहां पे इसका बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों, जो ये बताते हैं ना कि अब इसका फिजिकल नॉर्मल होने लगा है, तो कमेंट बॉक्स में चले जाना, मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, सिंपल सा उसमें क्लिक कर लीजिएगा और खुद ही वहां पे देख लेना कि कितना टाइम आपका वहां पे दिया जा रहा है। तो वहां पे आपको प्रॉपर टाइम का पता चल जाएगा कि हमें कैसे तैयारी करनी है फिजिकल की रिटर्न एग्जाम के बाद। लेकिन अपना टारगेट ये बना के चलना कि हमें कैसे भी करके सबसे पहले तो 35 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, तो करने कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक वहां पे पहुंच सकें, कि आपको ये लगे कि हाँ हमारा अब फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं उसका बिल्कुल सलूशन आपको वहां प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्तों, टारगेट अपना बना के चलना कि 35 से कम क्वेश्चन तो हमें करने ही नहीं है। कमेंट बॉक्स में जो लिंक दिया है ना, वो देख लेना कि कितना टाइम वहां पे आपको दिया जाएगा फिजिकल के लिए। और दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगे ना, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।